राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आज आप सबसे चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हूं। जी हां, कई दिन हो गए, लाइट नहीं आ रही थी दो दिन से स्टूडियो में, जहां पर ये हमारी क्लास होती है। तो लाइट ना आने के कारण हमने आपको मैसेज किया था कि आपकी क्लास नहीं हो पा रही है, उसके लिए हमें खेद है। हमें बहुत अंदर से परेशानी महसूस हुई, हमारी क्लास रुक रही थी। कोई भी काम हम करते हैं और उसमें रुकावट आए तो खेद होता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमारे बस में नहीं था। कल भी हमने प्रयास किया था बहुत ज़्यादा, परसों भी प्रयास किया, कल भी, तो आज लाइट सही हो पाई है। तो आज फिर हम आपके मध्य उपस्थित हैं। हालांकि आज हम एक तपोभूमि पर गए थे, उस तपोभूमि के बारे में हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, वो हमने आपको दे दी है, आप उस वीडियो को देखें। बहुत अच्छी तपोभूमि है और तपस्थली, पौराणिक स्थान, पौराणिक सांस्कृतिक विरासतें हमें देखनी चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। तो उसमें हमने आपको बहुत ही पौराणिक महाभारत से संबंधित सांस्कृतिक विरासत के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया है। महर्षि च्यवन ऋषि की तपस्थली जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में है, तो उस क्लास वीडियो को आप देख सकते हैं। जहाँ हम आज गए थे वहाँ से अभी अभी आए हैं और लाइट बिल्कुल सही है और हम आपके लिए फिर से उपस्थित हैं। चलिए, तो सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं। सभी को राधे राधे है, सभी को नमस्कार है। और महर्षि च्यवन ऋषि आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगता है उनके बारे में, तो आज उनके दर्शन करके आए हैं, उनसे आशीर्वाद लेके आए हैं। वो आप सब पर भी कृपा करें, हमारे प्रद्योत गुरुकुल परिवार पर भी कृपा करें, ऐसी हमने कामना रखी है। चलिए, तो आज हम बात करते हैं कबीरदास पर, और कबीरदास के संबंध में हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। हम कवि विशेष पर प्रश्नोत्तरी लेकर आते हैं। कवि के जीवन परिचय से कुछ प्रश्न होते हैं और कुछ उनके साहित्यिक परिचय से या उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न होते हैं, और रचनाओं के अंदर से भी कुछ प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम कबीरदास पर चर्चा करने आए हैं। मस कागद छुयो नहीं, पहला प्रश्न देखते हैं। मस कागद छुयो नहीं, कमर कलम गहे नहीं हाथ, पंक्ति किसके संदर्भ में प्रसिद्ध है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। बच्चा बच्चा इस पंक्ति को जानता है, जिसने कबीरदास का नाम सुना है उसे पता है कि कबीरदास ने ये पंक्ति कही है। मस माने स्याही, कागज। मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, मैंने न तो कागज छुआ न स्याही छुई और मैंने अपने हाथ में कलम नहीं पकड़ी है, ये पंक्ति किसके संदर्भ में प्रसिद्ध है? तो ये पंक्ति कबीरदास जी के संदर्भ में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कबीरदास जी के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, और कबीरदास ने अपने बारे में ये स्वयं कहा था कि मैंने कागज और कलम नहीं छुआ है। इसलिए चलिए आज हम शीघ्रता से चर्चा करेंगे कबीरदास जी पर। और दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ नहीं है? प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है? हंस जवाहिर, कासिम शाह का, ज्ञानदीप, शेख नदी का, मधुमालती मंदन का, आखिरी कलाम जायसी का। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो क्या नहीं है, जो प्रेमाख्यानक नहीं है? तो आखिरी कलाम प्रेमाख्यानक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, ये विकल्प हो जाएगा, हालांकि स लग गया है, ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, ये जायसी का है, डी विकल्प मान लीजिए या कोई भी मान लीजिए, जहाँ लिखा है आगे पीछे हो गया है। दूसरे प्रश्न का द विकल्प सही है। चौथा, अगला है, हृदय भीतर जलने वाली दो की चर्चा किसने की? हृदय भीतर जलने वाली दो की चर्चा किसने की? हृदय भीतर दो बले दोवान प्रगट होए, जाके लागी सो लखे के जहिलाई सोए। आपने ये साखी पढ़ी होगी, हृदय भीतर दो लखे धोवान प्रगट होए, जाके लागी सो लखे चके जिहिलाई सोए। तो ये हृदय भीतर जलने वाली दो का मतलब आग, हृदय के अंदर जलने वाली आग की चर्चा किसने की है? कबीर, तुलसी, मीरा या सो? तो ये कबीरदास ने ऐसी चर्चा की है। ठीक है, चलिए भैया, मच्छर भाई साहब आ गए क्या, किधर बैठे हैं? बिल्कुल क्लास रोक लेते हैं। चलो भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। ये अरे हटो, तीन हो गए थे प्रश्न, चौथा प्रश्न। चलो, तीन प्रश्न हो गए, चौथा प्रश्न देखिए। यह चौथा प्रश्न, जोगी के रम जाने पर
आसन के ऊपर क्या रह गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कबीरदास के साहित्य से है। जोगी के रम जाने पर आसन के भीतर क्या रह गया? मृगशाला, कंबल, वस्त्र, विभूति। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए जोगी के रम जाने पर आसन के भीतर, आसन के ऊपर क्या रह गया? तो आसन के ऊपर कंबल रह गया। ठीक है, वह विकल्प सही है। अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न हो गया, उसके बाद पांचवा प्रश्न देखते हैं। चलिए, दीपक, पावक और तेल के मिल जाने पर पतंगा क्या करने लगा? दीपक, पावक और तेल के मिल जाने पर पतंगा क्या करने लगा? नृत्य करने लगा, दूर भागने लगा, प्रकाश को देखने लगा, उड़ उड़कर गिरने लगा। बताइए क्या करने लगा पतंगा? दीपक, पावक और तेल के मिल जाने पर पतंगा क्या करने लगा? तो ये कोई भी बता देगा, दीपक, पावक, जब तेल जलने लगेगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो पतंगा उड़ उड़ के गिरेगा। ठीक है, ये करने लगा, डी विकल्प सही है। पांचवें प्रश्न का द विकल्प सही है। हम फटाफट प्रश्नोत्तरी करेंगे आज, और आज की प्रश्नोत्तरी में संभवतः 50 प्रश्न हैं। पतंगे के उड़ उड़कर गिरने की स्थिति कब आई? दीपक जलने पर, अग्नि जलने पर, दीपक, अग्नि और तेल के मिलने पर, रात होने पर, बताइए। छठा प्रश्न है, पतंगे के उड़ उड़कर गिरने की स्थिति कब आई? तो अभी हमने चर्चा की थी, दीपक, अग्नि और तेल मिला तो पतंगे के उड़ उड़कर गिरने की स्थिति बन गई। ठीक है, कबीरदास के अनुसार सब विकल्प सही है। छठे प्रश्न का सी विकल्प सही है। चलिए अगला देखते हैं, हृदय के भीतर लगी आग को कौन देखता है, बताओ। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी हमने आपको साखी सुनाई थी उसी से है। हृदय के भीतर लगी आग को कौन देखता है? वैद्य, जिसके हृदय में लगी है, जिसने लगाई है, व और स दोनों। तो वैद्य नहीं देखता है, जिसके भीतर लगी है वो देखता है, और जिसने लगाई है वो देखता है, अर्थात द विकल्प सही हो जाएगा। सातवें प्रश्न का व और स दोनों, अर्थात ये दोनों विकल्प सही है, तो डी विकल्प सही होगा इस प्रश्न का। सातवां प्रश्न, चलिए आठवां प्रश्न, जोगी कब रम गया? जोगी कब रम गया बताइए, जोगी कब रम गया? जल उठने पर, झोली जलने पर, खप्पर फूटने पर, उपर्युक्त सभी। आठवां प्रश्न, जोगी कब रम गया? जल उठने पर, झोली जलने पर, खप्पर फूटने पर, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी हुआ तब जोगी रम गया। ठीक है, चलिए अगला नौवां प्रश्न, जली हुई देह पल्लवित नहीं होती, यह किसने बताया? जली हुई देह पल्लवित नहीं होती, यह किसने कहा? वेद ने, सतगुरु ने, पिता ने, या लोक व्यवहार ने? नौवां प्रश्न बताओ, जली हुई देह पल्लवित नहीं होती, यह किसने कहा है? तो ये सतगुरु ने कहा है। ठीक है, कबीरदास के अनुसार सतगुरु ने ऐसे कहा है कि जली हुई देह पल्लवित नहीं होती है। आग लगने पर क्या जल गया? घर, वन, सागर, सरोवर, बताइए। कबीरदास के अनुसार जब आग लगी तो क्या जला? घर जला कि वन जला कि सागर जला या सरोवर जला? ये दसवां प्रश्न है, आग लगने पर क्या जला? तो आग लगने पर क्या जला? घर नहीं, सागर जला, सागर। चलिए अगला है, पानी माहे प्रजली भई अप्रबल आग। कबीर ने पानी का तात्पर्य क्या लिया है यहाँ? पानी माहे प्रजली भई अप्रबल आग। आपको पता होगा कबीरदास जी ने उलट बांसियाँ लिखी हैं। उलट बांसियाँ का मतलब है उल्टी बात, जल में रहकर मछली प्यासी। ठीक है, इस तरह की जो उलट बांसियाँ हैं, तो पानी माहे प्रजली भई अप्रबल आग। कबीरदास, पानी का आशय क्या है? जल से, सांसारिक मोह माया से, वासना से, माया से। ग्यारहवां प्रश्न है, तो बताइए क्या है? पानी माहे प्रजली भई अप्रबल आग, इसमें पानी से आशय क्या है? तो पानी से आशय है सांसारिक मोह माया से। ठीक है, बी विकल्प सही होगा। ग्यारह प्रश्न हो गए, बारहवां प्रश्न देख लीजिए फटाफट। पानी माहे प्रजली भई अप्रबल आग, बहती सरिता रह गई मंद रहे जल त्याग। ठीक है, अब इसमें जो मंद है वो कबीरदास का इस शब्द से क्या तात्पर्य है? इस शब्द से, मंद शब्द से क्या तात्पर्य है बताइए? मछली, मगर, आत्मज्ञानी या संसारी? संसारी, बताइए। बारहवां प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पानी माहे प्रजली भई अप्रबल आग, बहती सरिता रह गई मंद रहे जल त्याग, बताइए इसका अर्थ आशय क्या है? इसमें मछली, मगर, आत्मज्ञानी। हाँ,
आत्मजानी है इसका आशय। तीसरा विकल्प सही है स। ठीक है, आगे देखिए तीसरे के बाद चौथा। अगला प्रश्न है, निम्न में से गृहस्थ संत थे। गृहस्थ संत कौन थे? जो गृहस्थ भी थे, जिनका विवाह हुआ था, बच्चे भी थे, ठीक है, कबीर, सूर, मीरा, तुलसी, तो इसमें कबीरदास जी गृहस्थ संत थे। ठीक है, चलिए भैया ये हो गया तेरहवां। अगला देखो चौदहवां प्रश्न, कबीर किस काल के कवि हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कबीर किस काल के कवि हैं? आदिकाल के नहीं, भक्त काल के, हाँ रीत काल और आधुनिक काल नहीं, भक्त काल के कवि हैं और निर्गुण शाखा के कवि हैं। ठीक है, निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं। कबीर का जन्म किस संवत में माना जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, संवत की बात हो रही है तो कबीर का जन्म किस संवत में माना जाता है, शीघ्रता से बता दीजिए। कबीर का जन्म माना जाता है 1456 संवत। ठीक है, संवत की बात हो रही है, वह विकल्प सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न हो गया। अब देखो 16वां प्रश्न, कबीर किस काव्यधारा के कवि थे? तो कबीर किस काव्यधारा के कवि थे? कृष्ण काव्यधारा, राम काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, ज्ञान मार्गी काव्यधारा, तो कबीरदास जी ज्ञान मार्गी काव्यधारा के कवि थे। ठीक है, द विकल्प सही है। चलिए अगला देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है, सरल भी हैं, कठिन भी हैं, नए भी हैं, पुराने भी हैं, सब तरह का संगम मिलेगा। ठीक है, बीजक किसकी रचना है? कबीर, नानक, नामदेव, दाऊदयाल नहीं, तो कबीरदास की रचना है बीजक है, बहुत महत्वपूर्ण है, साखी, शबद और रमैनी इसके तीन भाग माने जाते हैं। संकलन धर्मदास ने किया था, इनके पर बहुत ही बढ़िया शिष्य थे। इनमें से कौन सा छंद कबीर ने प्रयोग नहीं किया? साखी, घनाक्षरी, रमैनी, शबद, तो आपको ये पता है घनाक्षरी नहीं किया है, वह विकल्प सही हो जाएगा, ये तीनों किए हैं। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न हो गया। 19वां प्रश्न देखिए, कबीर की भाषा कैसी है? तो कबीर की भाषा कैसी है? ब्रज है, प्राकृत है, सदुपकड़ी है, अवधी है, तो कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, सदुपकड़ी है, इनमें से विकल्प यदि लिए जाएंगे तो सदुपकड़ी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न, ठीक है, सब विकल्प सही है कबीर की भाषा। 20वां, कबीर के राम हैं, कबीर के राम कौन से हैं? कबीर के राम पूर्ण ब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, तो कबीर के जो राम हैं वो कैसे हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कबीर के राम हैं वो है निर्गुण ब्रह्म। ठीक है, राम कैसे हैं? निर्गुण है। चलिए अगला, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, तो कबीर के गुरु रामानंद थे, और मुस्लिम लोग मानते हैं कि शेख तकी भी इनके गुरु थे, शेख तकी, ठीक है, मुस्लिमों के अनुसार इनके गुरु थे शेख तकी, जो सिकंदर लोदी के भी गुरु थे। ठीक है, तो कबीर के गुरु रामानंद थे। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न, अविकल्प सही। 22वां देखिए, कबीर का पालन पोषण किसने किया? नीरू और नीमा, नीरू और सीमा, बीरू और नीमा, बीरू और सीमा, बताइए, ए बी सी डी, बहुत अच्छा प्रश्न है, और सब बता देंगे किसने किया है, नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया था, ए विकल्प सही है। चलिए अगला है, कबीर किस धारा के कवि हैं? तो कबीर किस धारा के कवि हैं? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, रहस्यवादी, तो इनमें से किसी धारा के तो हैं नहीं, अब विकल्प के आधार पर कई उत्तर हमें देने होते हैं, तो इसमें से जो सही विकल्प लगेगा वो रहस्यवादी धारा के ज़्यादा सही लगेगा। ठीक है, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जिन प्रश्नों का उत्तर हम विकल्पों के आधार पर देते हैं, ठीक है, तो इसमें विकल्प के आधार पर रहस्यवादी ज़्यादा सही है अन्य तीन विकल्पों की अपेक्षा। चलिए अगला देखते हैं, 24वां प्रश्न, इनमें से कबीर कौन नहीं थे? समाज सुधारक, पाखंड विरोधी, भक्त, पुराणपंथी, तो देखो कबीर कौन नहीं थे नहीं पूछा गया है, समाज सुधारक थे, पाखंड का विरोध करने वाले थे, भक्त थे, पुराणपंथी ये नहीं थे, अर्थात द विकल्प सही हो जाएगा। 24वें प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा, पुराणपंथी नहीं थे कबीर। ठीक है, चलिए भैया अगला है, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? काशी में, गया में, मगहर में, तो ये बहुत प्रचलित है कि कबीर की मृत्यु मगहर में हुई, ऐसा कहा जाता है कि जिनकी मृत्यु काशी में होती थी उन्हें मिलता था स्वर्ग, और जिनकी मृत्यु मगहर में होती थी उन्हें मिलता था नरक, तो इसका विरोध करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि देखो हम मगहर में मरे लेकिन फिर भी हम नरक में नहीं गए या नरक में नहीं जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा सिद्ध करने के लिए, इस परंपरा को, इस रूढ़ी को तोड़ने के लिए कबीरदास जी मगहर में अंतिम समय में चले गए थे और वहीं पर उनका निधन हुआ था।
तो कबीर का निधन कहाँ हुआ था? मगहर में। बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। 25वां प्रश्न हो गया। 26वां देख लीजिए, संत मत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो संत मत का प्रवर्तक 26वां प्रश्न है, संत मत का प्रवर्तक भी किसे माना जाता है? कबीरदास को माना जाता है। ठीक है, 1318 ईस्वी जन्म काल, निधन जीवन काल। 27वां प्रश्न, इनमें से कबीर किसके विरोधी थे? बताइए। मूर्ति पूजा के, हिंदुओं के, मुसलमानों के, धर्म के? बताओ। 27वां प्रश्न, इनमें से किसके विरोधी थे? तो कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अब विकल्प सही है। ठीक है, कबीर किसके विरोधी थे? मूर्ति पूजा के, आडंबरों के विरोधी थे। अगला है, दुल्हन गावह मंगल चार, हमारे घर आए राम भरता। बताइए किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीरदास। तो ये सूरदास, ये सॉरी कबीरदास का बहुत प्रसिद्ध पद है, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण पद है, दुल्हन गावह मंगल चार। ठीक है, द विकल्प सही हो जाएगा। 29वां देख लीजिए, कबीर ने किसकी शोभा को अकथनीय माना है? किसकी शोभा को अकथनीय माना है? गुरु महिमा की, पर ब्रह्म के तेज की, माया की शक्ति की, गुरु के ज्ञान की? बताइए, गुरु के ज्ञान की। कबीर ने किसकी शोभा को अकथनीय माना है? 29वां प्रश्न, कबीर ने किसकी शोभा को अकथनीय माना है? तो परम ब्रह्म के तेज की। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे विकल्प है, ये सही हो जाएगा। परम ब्रह्म के तेज की शोभा को अकथनीय माना है। अगला है, राम रसायन का पीना कैसा है? राम रसायन का पीना कैसा है? दुर्लभ है, सुलभ है, असंभव है, संभव है? राम रसायन का पीना कैसा है बताइए भाई, राम रसायन का पीना कैसा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बोलो। राम रसायन का पीना कैसा हो गया? दुर्लभ है। ठीक है, अब विकल्प सही हो जाएगा। 30 प्रश्न हो गए, फटाफट चलिए अब बात करते हैं। 31, कबीर का मोती से क्या आशय है? कबीर का मोती से क्या आशय है? मोती नामक कुत्ता, मोती नामक नौकर, मुक्ति या भक्ति? बताओ, मोती से क्या आशय है? मोती शब्द से कबीर का क्या आशय है? मोती नामक कुत्ता था, मोती नामक नौकर था, मुक्ति या भक्ति? तो कबीर का मोती से आशय है, मोती से आशय है मुक्ति। ठीक है, सब विकल्प सही हो जाएगा, मुक्ति से आशय है। ठीक है, चलिए भैया अगला है, कबीर के घर कौन आए हैं? कबीर के घर कौन आए हैं? तो कबीर के घर कौन आए हैं? रामानंद जी, सतगुरु, राजा राम भरतार, पुत्र कमाल? बताइए, कबीरदास, कबीर के घर कौन आए हैं? तो आए हैं राजा राम भरतार। ठीक है, सब विकल्प सही है, कबीर के घर राजा राम भरतार आए हैं। ठीक है, सब विकल्प सही है। 32वां प्रश्न अगला देख लीजिए, 33वां प्रश्न, कबीर के विवाह रूपी कौतुक को देखने कौन आया? कबीर के विवाह रूपी कौतुक को देखने कौन आया? संबंधी, साधु संत, 33 करोड़ देवी देवता, ऋषि मुनि? बताइए, 33वां प्रश्न है, बहुत बढ़िया है, कबीर के विवाह रूपी कौतुक को देखने कौन आया? तो 33 करोड़ देवी देवता विवाह रूपी कौतुक को देखने आए। कबीर के विवाह रूपी कौतुक को देखने कौन आए? 33 करोड़ देवी देवता देखने आए। ठीक है, सब विकल्प सही हो जाएगा 33वें प्रश्न का। अगला देखिए, 34वां प्रश्न, कबीर को सद्बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? गुरु के आशीर्वाद से, भजन करने से, स्वामी रामानंद के उपदेश से, साधु संगत से? 34वां प्रश्न, कबीर को सद्बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? तो कबीर को सद्बुद्धि प्राप्त हुई गुरु के आशीर्वाद से। कबीर को सद्बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? गुरु के आशीर्वाद से सद्बुद्धि प्राप्त हुई। अब विकल्प सही है, कबीर को सद्बुद्धि गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त हुई, और जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद होता है उसे तो सद्बुद्धि प्राप्त हो ही जाती है। ठीक है, गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। देखो, पढ़ाई अलग जगह है, मेहनत परिश्रम इसका अलग है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। ठीक है, और यदि हम आस्था रखते हैं तो भाई हमारे जो हमारे ईश्वर हैं, हमारे इष्ट देव हैं, उन सब का भी
बहुत कुछ रोल रहता है। भाग्य और पुरुषार्थ में कौन बड़ा है, भाग्य या पुरुषार्थ, तो ये इस तरह की बातें चलती हैं। जो लोग सफल होते हैं वो हमेशा कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा है, और जो लोग असफल होते हैं वो हमेशा कहते हैं भाग्य बड़ा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का अपना अपना महत्व है। भाग्य के बिना पुरुषार्थ भी अधूरा रहता है और पुरुषार्थ के बिना भाग्य भी अधूरा रहता है। कहीं ना कहीं पुरुषार्थ के साथ भाग्य भी काम करता है, और भाग्य हमारे कर्मों से बनता है और कर्म ही हमारा पुरुषार्थ होता है। तो हम माता पिता का आशीर्वाद और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर यदि आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी मदद करता है। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जीवन में जब कोई व्यक्ति किनारे पर जाकर असफल हो जाता है। मान लीजिए चयन हुआ 100 अंक पर, अब आपके रह गए 98 या 99, एक अंक दो अंक कम रह गया, तो कहीं ना कहीं इसमें भाग्य का खेल होता है, क्योंकि आप इतने प्रश्नों में एक दो प्रश्न और सही कर सकते थे, जानबूझकर गलत हो गया। और यदि आपके 100 पर कट ऑफ है और आपकी 100 या 101 हो रही है तो भी कहीं ना कहीं आपका अच्छा भाग्य है, जो आप बिल्कुल कट ऑफ पर पहुँच कर आप चयनित हो गए। यदि आपका भाग्य साथ न देता तो हो सकता है एक दो प्रश्न से आप रह जाते। तो कहीं ना कहीं भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ज़रूरी हैं। पुरुषार्थ तो बेहद ज़रूरी है ही, लेकिन हमारा पूर्व जन्म का कर्म या हमारे इस जन्म के कर्म जो भाग्य के रूप में हमारा साथ देते हैं, जो आशीर्वाद के रूप में माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद होता है, वो हमारी बहुत मदद करता है। तो अच्छे भाव रखें, अच्छा सोचें, सबके प्रति अच्छा सोचें, जो भी आपके साथी हैं, मिलने वाले हैं, समाज के प्रति, जिसके भी किसी के प्रति आप अपने मन में गलत भावना रखें, तो ज़रूर आपको शुभ आशीर्वाद और शुभ आपके कल्याणकारी शक्तियां आपके साथ होंगी। ठीक है, तो ये क्या है, गुरु के आशीर्वाद से सद्बुद्धि प्राप्त होती है, तो गुरु का आशीर्वाद लेते रहें जिससे कि आपकी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे। ठीक है, चलिए अगला है, गुरु द्वारा लगाई गई अग्नि किसने देखी, कबीर ने, स्वामी रामानंद ने, संतों ने, बिरले व्यक्ति ने, बताओ। तो गुरु द्वारा लगाई गई अग्नि किसने देखी है, गुरु द्वारा लगाई गई अग्नि किसने देखी है, तो गुरु द्वारा लगाई गई अग्नि देखी है बिरले व्यक्ति ने। ठीक है, जो बिरला होता है वही गुरु द्वारा लगाई गई अग्नि को देख सकता है, ऐसा मानना है कबीर दास जी का। कबीर की खेती के रखवाले कौन है, कबीर की खेती के रखवाले कौन है, कमाल, दो अक्षर, रामानंद, इनमें से कोई नहीं। तो कबीर की खेती के रखवाले कौन है, दो अक्षर है। कौन है, दो अक्षर, दो अक्षर कबीर की खेती के रखवाले हैं। और आपने कबीर के पद पढ़े होंगे तो आपको दो अक्षर पता होंगे। दो अक्षर कौन कौन से हैं, दो अक्षर कौन कौन से हैं, यदि आपने कबीर के पद पढ़े हैं तो आपको दो अक्षर पता होंगे, और वैसे तो आपको नहीं पता होंगे। चलिए हम बताए दे रहे हैं वो दो अक्षर कौन कौन से हैं। दो अक्षर, पहला अक्षर है रा, दूसरा अक्षर है म। कबीर की खेती के रखवाले ये दो अक्षर हैं। ठीक है, समझ गए, कबीर की खेती के रखवाले दो अक्षर कौन से हैं, राम। बहुत बढ़िया, और कौन से पद से है ये तो आपको पता होगा, जतन बिन मृगन खेत उजारे, जतन बिन मृगन खेत उजारे, जतन बिन मृगन खेत उजारे, तारे नाहि तरतन सिवा सर बिड रतन ही बिडारे, तारे नाहि तरतन सिवा सर बिडरत नहीं बिटारे, जतन बिन मृगन खेत उजारे, जतन बिन अपने अपने रस के लोभी करतब न्यारे न्यारे, जतन बिन मृगन खेत उजारे, अति अभिमान बदत नहीं काहू बहुत लोग पचहारे, अति अभिमान बदत नहीं काहू अति अभिमान बदत नहीं काहू बहुत लोग पचहारे, और बुद्धि मेरी किरसी गुरु मेरो बिझू का आखिर दो रखवारे,
आखिर दो रखवारे जतन बिन मिरगन खेत उजारे। कहें कबीर अब खान न दहें बरियाँ भले सभारे जतन बिन मिरगन खेत उजारे। जतन बिन मिरगन खेत उजारे जतन बिन मिरगन खेत उजारे जतन बिन मिरगन खेत उजारे। मिरगन का अर्थ क्या है यहाँ? जतन बिन, प्रयास के बिना मृगों ने खेत उजाड़ दिए। मृग का अर्थ यहाँ इंद्रियाँ हैं। हमने प्रयास नहीं किया, हमारी इंद्रियाँ हमारे आपे से बाहर हो गई, तो हमारा शरीर, हमारी जो भी हमारे लक्ष्य थे वो सब उजाड़ दिए। किसने? जतन बिन, प्रयास बिन, ठीक है, जतन बिन इस पद से है। तो राम नाम के दो अक्षर हैं वो रक्षा करते हैं। 37वां प्रश्न, गले की फांसी क्या है? तो गले की फांसी क्या है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए गले की फांसी क्या है, गले की फांसी क्या है, कौन सा प्रश्न है? 37वां, तृष्णा लोक वेद और कुल की मर्यादा माया लोक। तो गले की फांसी क्या है, गले की फांसी क्या है? चलो बताते हैं गले की फांसी क्या है। लोक वेद और कुल की मर्यादा, इसलिए गले की फांसी है। 37वां प्रश्न हो गया। अब देखो 38वां प्रश्न, कबीर राम को प्राप्त कब करेंगे? पंचतत्व की रचना टूटने पर, गुरु कृपा होने पर, समाधि लगाने पर, इनमें से कोई नहीं। तो कबीर राम को कब प्राप्त करेंगे? पंचतत्व की रचना टूटने पर, ठीक है। राम को प्राप्त कब करेंगे? पंचतत्व की रचना टूटने पर। अगला है, हंस में हंस कौन मिलाएगा? हंस में हंस कौन मिलाएगा? सुख सागर स्वामी, सतगुरु, उनमें से कोई नहीं। तो सुख सागर स्वामी हंस में हंस मिलाएंगे, ठीक है। 39वां, उसके बाद 40वां, पार ब्रह्म के तेज का कबीर कैसा अनुमान करते हैं? पार ब्रह्म के तेज का अनुमान कबीर दास जी कैसा करते हैं बताइए? सूर्य के समान, अग्नि के समान, चंद्रमा के समान, और देखना ही प्रमाण। तो पार ब्रह्म के तेज का अनुमान कबीर दास जी करते हैं, देखना ही प्रमाण, ठीक है। पार ब्रह्म के तेज का देखना ही प्रमाण है। जहाँ कबीर बंदगी करता है वहाँ क्या नहीं होता? जहाँ कबीर बंदगी करता है वहाँ पाप नहीं होता, पुण्य नहीं होता, देवत नहीं होती, उपरोक्त सभी बताइए। जहाँ कबीर बंदगी करता है वहाँ क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? तो उपरोक्त सभी, ठीक है। पाप पुण्य या देवत कुछ भी नहीं होता जहाँ कबीर बंदगी, जहाँ कबीर बंदगी करता है। अगला, शून्य शिखर गढ़ की, शून्य शिखर गढ़ में कबीर किसकी उत्पत्ति मानते हैं? शून्य शिखर गढ़ में प्रकाश की, जल की, पशु पक्षी की, मोती की। तो शून्य शिखर गढ़ में कबीर किसकी उत्पत्ति मानते हैं? मोती की। डी विकल्प सही है, शून्य शिखर गढ़ में कबीर मोती की उत्पत्ति मानते हैं। कबीर का परिचय ईश्वर से कब हुआ? कबीर का परिचय ईश्वर से कब हुआ? समाधि लगने पर, गुरुद्वारा मार्गदर्शन दिखाने पर, भजन करने पर, घर त्यागने पर। 43वां प्रश्न, कबीर का परिचय ईश्वर से कब हुआ? तो आप सब जानते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु के द्वारा मार्गदर्शन दिखाने पर ईश्वर से परिचय हो गया कबीर दास जी का, ठीक है, वह विकल्प सही है। अगला है, कबीर पीने में रसयुक्त किसे मानते हैं बताइए? किसे रसयुक्त मानते हैं? शराब को, अमृत को, दूध को, राम रसायन को। तो कबीर दास जी जो पीने में रसयुक्त मानते हैं वो राम रसायन को, ठीक है। राम नाम को पियो भाई, राम नाम की भक्ति करो, राम नाम की। चलिए अगला है, कबीर की दृष्टि में हरे रस पीने का ज्ञान कब होगा? 45वां प्रश्न, कबीर की दृष्टि में हरे रस पीने का ज्ञान कब होगा बताइए? कभी खुमार न उतरे, ध्यान मग्न हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वासना शांत हो जाए। तो कभी खुमार न उतरे, और विकल्प सही है। 45वां प्रश्न, अविकल्प सही है। 46, कबीर ने हरे रस क्यों पिया? 46वां, कबीर ने हरे रस क्यों पिया? तो कबीर ने हरे रस क्यों पिया? मकान शेष न रहने पर, ठीक है। अगला चलिए, 47वां, हरिरूपी रसायन कैसी होती है? मुक्त करने वाली, एक तिल घट में आने
पर तन को कंचन बनाने वाली, चेतना शून्य करने वाली, ज्ञान चक्षु खोलने वाली। 47वां प्रश्न, हरे रूपी रसायन कैसी होती है? एक तिल घट में आने पर तन को कंचन बनाने वाली, ठीक है, हरे रूपी रसायन ऐसी होती है। 47वां हो गया। अब देखो 48वां, चाक पर क्या नहीं चढ़ता? पका हुआ गढ़ा, मिट्टी, कुत्ता, मेढक। तो सब जानते हैं चाक पर कच्चा गढ़ा चढ़ता है, पका हुआ गढ़ा नहीं चढ़ता है, ठीक है, ये हो गया 48वां। 49वां देखिए, मैं मेता कौन घूमता है? मैं मेता कौन घूमता है बताओ? साधु, गृहस्थ, समाधि लगाने वाला, हरे रस पीने वाला। तो हरे रस पीने वाला, ठीक है, डी विकल्प सही है, हरे रस पीने वाला। अगला है, राम रसायन का मूल्य कलाल क्या मांगता है? राम रसायन का मूल्य कलाल क्या मांगता है बताइए? स्वर्ण मुद्रा, रुपया, शीश, इनमें से कोई नहीं। तो राम रसायन का मूल्य कलाल क्या मांगता है? तो भैया इसमें क्या मांगता है? शीश मांगता है। सब विकल्प सही है, सब विकल्प सही है। अगला है, चलिए 50 प्रश्न हो गए, 50 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए? 50। 50 प्रश्न हो गए। चलिए तो अब हम पिछले प्रश्न का उत्तर देते हैं। 2 प्रश्न हमने पूछे थे, 1 प्रश्न का उत्तर तो ज़्यादातर लोगों ने सही दिया था, और इस प्रश्न का उत्तर अति लुब्धा नगर याचक, अति लुब्धा नगर याचक विद्यापति को किसने कहा? ये प्रश्न जो था, अति लुब्धा नगर याचक विद्यापति को किसने कहा, ठीक है, तो विद्यापति को अति लुब्धा नगर याचक किसने कहा, ये प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर कम लोगों ने दिया या कम लोगों को आ रहा था, तो ये पंडित केशव मिश्र, ठीक है, विद्यापति के विद्वेषी कवि, ऐसे लिख लो, विद्यापति के विद्वेषी कवि पंडित केशव मिश्र, पंडित केशव मिश्र, केशव मिश्र ने विद्यापति को अतिलुब्धा नगर याचक कहा था, ठीक है, अतिलुब्धा नगर याचक कहा था। तो ये आप उत्तर याद रखेंगे, पंडित केशव मिश्र, ठीक है। ये 2 प्रश्न थे, 1 प्रश्न का उत्तर तो सबने सही दिया था, ये 2रा प्रश्न था, इसका उत्तर नहीं दे पाए कुछ लोग, एक दो उत्तर सही आया भी था, अब हमें नाम याद अभी नहीं है, कई दिन हो गए क्लास को। तो ये हो गया, ठीक है, किसने कहा है तो ये आपको पता चल गया है। अब कबीरदास के बारे में भी 2 प्रश्न आपको हम दिए दे रहे हैं, ठीक है, कबीरदास के बारे में भी 2 प्रश्न ले लो आप आज की क्लास के लिए कमेंट बॉक्स का, ठीक है, छोटे छोटे 2 प्रश्न बताइए। चलिए, कबीरदास का जन्म, कबीर दास का जन्म किस दिन हुआ था, ठीक है, दिन का मतलब सप्ताह का कौन सा दिन था उस दिन, किस दिन हुआ था, ठीक है, एक बार हम एक क्लास में आपको बता चुके हैं ये, इसलिए, ठीक है, कबीरदास का जन्म किस दिन हुआ था, और दूसरा, कबीरदास को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा, कबीरदास को बाणी का तानाशाह, तानाशाह कह लो या डिक्टेटर कह लो, एक ही बात है, वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, ठीक है, इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। आप आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और लाइक करके जाएं, दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, प्रसन्न मन से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, आने वाला समय आपका मंगलकारी होगा, शुभ होगा, कल्याणकारी होगा, आपका बहुत अच्छा होने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। माता रानी कृपा करें, राधा रानी कृपा करें, बांके बिहारी कृपा करें। जय हिंदी, जय भारत।